मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2। हमने इस एक्सरसाइज के पहले जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो लास्ट क्लास में पढ़ लिए। आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर। तो हमारे पास जो 3 इंटीजर हैं वो एड अप करने के बाद कितना आता है आंसर, 51 आता है। तो हम राइट करना स्टार्ट करेंगे। लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, हमने क्वेश्चन में ही पहले पढ़ लिया है कि सबको ऐड करने पे 51 आता है। तो हमने क्या किया, सबको ऐड कर लिया, एक्स एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 51। तो हमारे पास 3x आ गया क्योंकि 3 बार x था, x 1 2 3 और 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 51 आया। हमने अगेन 3x 3 को परली साइड लेके गए तो माइनस का हो गया, ये साइड किसका था, प्लस का। तो 15 माइनस 3 कितना होता है, 48। अब जो 3 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे जाएगा, 3 1 जा 3 हुआ, 1 बचा, 18 बन गया, 3 6 जा 18। हेंस हमने लिख लिया जो तीनों इंटीजर्स थे वो फर्स्ट वाला 16 आया, दूसरा वाला 16 प्लस 1, तीसरा 16 प्लस 2। तो 16 प्लस 1 कितना होता है 17, 16 प्लस 2 कितना होता है 18। हमारे पास जो इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन अगेन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल। अब जो 3 जो नंबर्स हैं लगातार चलने वाले वो मल्टीपल होने चाहिए 8 के, और उनका सम कितना आना चाहिए, 888। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन रहता है इसका हमने पहले ही राइट कर लिया है। तो हमने लिखा पहले, लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहला आ गया x, दूसरा आया x प्लस 1, तीसरा आ गया x प्लस 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के जैसे इसका सम पहले दिया था, तो लिख राइट कर लिया x, x प्लस 8, x प्लस 16 इक्वल्स टू 888। 3 बार x था तो 3x, 16 प्लस 8 24 होता है, और ये आ गया 3x, 888 से माइनस किया 24, तो हमारे पास माइनस करने पे आता है 864। राइट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 दोबारा नीचे गया, x इक्वल टू 864 ओवर 3, कट किया हमने तो 3 1 जा 3, 2 बचा, 26 हो गया, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 8 जा 24, 288 आ गया। हेंस जो फर्स्ट मल्टीपल था वो 288 आया, तो नेक्स्ट था 288 प्लस 2, 296 हो गया, 288 प्लस 16 तो 304 बना, वो 304 बन गया वो। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 8th क्वेश्चन है, द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, देन दे एड अप टू 74, फाइंड दिस नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वैसे जैसे पहले थे, x, x प्लस 1, x प्लस 2, पर साथ में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो मल्टीप्लाई कर रहा है किस कितने से, 2 से, 3 से, 4 से, और उन सबका सम कितना आता है 74। हम दोबारा से अगेन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे राइट करेंगे, लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फर्स्ट आ गया x, दूसरा x प्लस 1, दूसरा आ गया x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन अब इस प्रकार से है, हमने पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 3 से, सॉरी देखो हमारे पास क्या था, x था, x प्लस 1 था, x प्लस 2 था, हमने पहले 2x, x को 2 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 को 3 से, और 4 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया और 74 आ गया।
तो फर्स्ट हमारा x प्लस टू ही बचा, हमने 3 से पहले x को किया फिर 1 को, तो 3x प्लस 3 आ गया, फिर 4 को x से फिर 2 से, तो 4x प्लस 8 आया इक्वल्स टू 74। अब हमारे पास कितने x हैं, 2x 3x 4x, 2 प्लस 3 5x होता है, 5 प्लस 4 9x होता है, तो हमारे पास क्या आ गया 9x प्लस, अब और बचा क्या 3 प्लस 8 कितना होता है, 3 प्लस 8 11, 3 प्लस 8 कितना होगा 11, किसके बराबर 74, किसके बराबर था 74 के, जो हमने राइट कर लिया। तो 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, जैसे ही हमने 74 से 11 को माइनस किया तो 3 और 6 63 बचा, x की वैल्यू आ गई 63 ओवर 9, 9 का टेबल लगा, 9 वन जा 9, 9 7 जा 63, तो हमारे पास 7 आ गया। हेंस हमारे पास अब जो 3 इंटीजर्स थे x, x प्लस 1, x प्लस 2, तो हमारे पास उनका आंसर आ गया, पहला 7 रहेगा, 7 प्लस 1 कितना होता है 8, 7 प्लस 2 कितना होता है 9, हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर टेकन, सॉरी द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7, 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, व्हाट आर देयर परसेंटेजेस। तो राहुल है और हरुण है, उनकी जो एज है उनका रेशो दिया है 5:7, तो 4 साल बाद उनका जो सम रहेगा जिसका वो 56 रहेगा, हमें परसेंटेज निकालनी है, हमें परसेंटेज निकालनी है, तो हम राइट करेंगे लेट द, हम राइट करेंगे लेट द एज ऑफ, दोनों का साथ में कर लेते हैं, लेट द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण, तो हमारे पास वो राहुल की एज 5x आएगी एंड दूसरे की 7x आएगी, क्योंकि हमारे पास रेशो में एजेस थे 5:7, दैट इज इक्वल्स टू 5/7, तब लिखा हमने आफ्टर 4 ईयर, तो 4 साल बाद 4 ईयर के बाद राहुल की जो एज होगी, राहुल की जो एज होगी वो हो जाएगी 5x+4 और 7x+4। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसी में लिखा है कि जो दोनों की एजेस का सम कितना आता है 56, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के पहले की एज थी 5x+4, दूसरे की थी 7x+4, दैट इज इक्वल टू 56, 7 और 5 कितना होता है 12x, 4 और 4 कितना होता है 8, दैट इज इक्वल टू 56, हमने क्या किया 12x इस साइड रह गया, 56 माइनस 8 हुआ तो हमारे पास आ गया 48। अब हम जो नेक्स्ट है वो राइट कर रहे हैं, तो इसी के साथ जो 12x था वो वैसे ही इक्वल टू 48x आ गया, सॉरी 48 ओवर 12, 12 वन जा 12, 12 फोर जा 48, तो राहुल की परसेंटेज कितना आया, राहुल्स परसेंटेज प्रेजेंट ए तो 5x आया, 5 × 4 दैट इज 20, और दूसरे पर्सन की प्रेजेंट एज, तो दूसरे पर्सन की आ गई 7x 7 × 4 दैट इज इक्वल टू
28, तो दोनों का आ गया 7 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 28। 10